बड़ी खबर आ रही है जहां पर संचौली के बाद अब हिमाचल के मंडी में मस्जिद को लेकर विवाद शुरू हो गया है। हिंदू पक्ष मस्जिद में अवैध निर्माण का आरोप लगाते हुए प्रोटेस्ट कर रहा है। तस्वीर आपके सामने, प्रदर्शनकारी मस्जिद के अवैध निर्माण को हटाने की मांग कर रहे हैं। तो इससे पहले शिमला के संचौली में जो पूरा मामला सामने आया अवैध मस्जिद को लेकर, अब हिंदू पक्ष की तरफ से कुछ ऐसी ही बात, अब कुछ ऐसा ही प्रदर्शन संचौली के बाद अब मंडी में देखने को मिल रहा है जहां पर मस्जिद को लेकर विवाद शुरू हो गया। तस्वीर इस वक्त आपके सामने, पहले संचौली में जो हंगामा हुआ और अब मंडी में जो हो रहा है, ये दो तस्वीर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। हिंदू पक्ष मस्जिद में अवैध निर्माण का आरोप लगा रहा है और इसको लेकर प्रोटेस्ट किया जा रहा है। प्रदर्शनकारी मस्जिद के अवैध निर्माण को हटाने की मांग कर रहे हैं। तो ये दो तस्वीर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। अगर संचौली मामले की बात की जाए तो पहले से ही ये मामला निगम के कोर्ट में है और स्पीच अब मंडी में भी ये जो मामला है मस्जिद को लेकर वो तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है, जहां पर हिंदू पक्ष की तरफ से मंडी में मस्जिद में अवैध निर्माण की बात कही गई है और इस अवैध निर्माण को हटाने की मांग पर हिंदू पक्ष अड़ा हुआ है और इसी को लेकर ये प्रदर्शन की तस्वीरें, सैकड़ों की संख्या में जो लोग हैं प्रदर्शनकारी वो मंडी की सड़कों पर उतरे हुए हैं और प्रोटेस्ट किया गया अवैध निर्माण को लेकर। और इससे पहले जो संचौली में हुआ है वो तस्वीर भी आपके सामने। और इससे जुड़ी एक और अपडेट है, मस्जिद का कुछ अवैध हिस्सा तोड़ा गया है। मंडी से खबर है, मस्जिद कमेटी के लोगों ने कुछ हिस्सा तोड़ा है। ये बड़ी अपडेट मिल रही है हिमाचल प्रदेश के मंडी से। बताया जा रहा है कि मस्जिद का कुछ अवैध हिस्सा तोड़ भी दिया गया है। मस्जिद कमेटी के लोगों ने कुछ हिस्सा तोड़ा है। तो अब मंडी में भी मस्जिद को लेकर के काफी बवाल हो रहा है, विवाद हो रहा है। सड़कों पर आज प्रदर्शन भी देखने को मिल रहा है और जानकारी ऐसी है कि मस्जिद कमेटी के लोगों ने मस्जिद का जो अवैध हिस्सा था उसे तोड़ दिया है। तस्वीरें हिमाचल प्रदेश के मंडी की है। मंडी के जेल रोड पर मस्जिद के अवैध निर्माण को लेकर तनाव बढ़ गया है। हिंदू संगठन आज मंडी शहर में प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शनकारी इस मस्जिद के अवैध निर्माण को गिराने की मांग कर रहे हैं। दूसरी तरफ विवाद को बढ़ता देखकर मुस्लिम समाज के लोगों ने खुद ही मस्जिद के निर्माण को तोड़ना शुरू कर दिया है। बावजूद इसके सड़कों पर उतर कर स्थानीय लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। जो पहले इनका एरिया निकलता था आज भी वही एरिया है। पहले भी निशान लगा हुआ था, रेड कलर का मार्क लगा हुआ है, वही पीडब्ल्यूडी का निशान है, उसके बाद उनकी जगह है। तो ये दीवार आ रही है, तो उन्होंने कहा कि आपको ये दीवार गिरा देनी चाहिए। तो हम लोगों ने कहा ठीक है, अगर आप चाहते हैं गिराना तो गिरा दीजिए, हमें कोई एतराज नहीं, क्योंकि आपकी जगह है। हम पहले भी आपके साथ तैयार थे और आज भी आपके साथ तैयार है। हम प्रशासन का पूर्ण सहयोग करने के लिए तैयार। तनाव को देखते हुए मंडी प्रशासन ने BNS की धारा 163 लगाई गई है। पूरे इलाके में भारी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात है। मंडी शहर की चारों तरफ से बैरिकेडिंग कर दी गई है। और इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ हमारे सहयोगी मोहित हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बात करते हैं। मोहित, जो जानकारी सामने आ रही है कि मंडी में मस्जिद का जो अवैध निर्माण का हिस्सा था, मस्जिद कमेटी का कहना है कि वो तोड़ भी दिया गया है, उसके बावजूद भी ये विरोध प्रदर्शन हिंदू संगठनों की ओर से क्यों हो रहा है? और मोहित, आप अपनी जानकारी पूरी करिएगा, लेकिन उससे पहले कुछ तस्वीरें सामने आ रही है मंडी से, वो दिखाते। देखिए, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा है, पानी की बौछार की जा रही है पुलिस की ओर से, ताकि प्रदर्शनकारियों को सड़क पे से हटाया जा सके, भीड़ को तितर बितर किया जा सके। मंडी से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। शिमला के संजौली के बाद अब मंडी में भी मस्जिद को लेकर के विवाद सामने आया है। मस्जिद विवाद पर काफी हंगामा मचा हुआ है, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये मंडी की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मोहित, अपनी बात पूरी करिए। देखिए, हिंदू संगठनों का कहना है कि वहां पर ये पुरानी मस्जिद जो थी काफी छोटी थी, एक मंजिला थी, लेकिन आसपास की सरकारी जमीन पर अतिक्रमण करके इस मस्जिद का और भी निर्माण कार्य किया गया, दो मंजिला और बना दी गई।
और इसी बात को लेकर वहाँ पर विवाद है। हिंदू संगठन कह रहे हैं कि इस मस्जिद को हटाया जाए और मस्जिद को अवैध बताया जा रहा है हिंदू संगठनों के द्वारा, और वो लगातार इसी बात को लेकर वहाँ पर हंगामा कर रहे हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इस विरोध प्रदर्शन की कॉल दी गई थी। हालांकि पूरा मामला निगम आयुक्त कोर्ट में भी है और वहाँ से जो नगर निगम कमिश्नर की कोर्ट है उसने आदेश दिया है कि 2 मंजिला जो है मस्जिद की उसको गिरा दिया जाए, वो अवैध है। और उससे पहले ही मस्जिद कमेटी की तरफ से जो अवैध निर्माण कार्य उनकी तरफ से किया गया था उसको खुद ही हटाना शुरू कर दिया गया, लेकिन इसके बावजूद हिंदू संगठन इस बात पर अड़े हैं कि इस मस्जिद को ही यहाँ से हटा दिया जाए, और इसी बात को लेकर वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और लगातार हंगामा वहाँ पर बढ़ता जा रहा है। बिल्कुल, ये तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं, पहले संजौली में कैसे हंगामा हुआ मस्जिद को लेकर के, कहा जा रहा था कि अवैध तरीके से यहाँ मस्जिद का निर्माण किया गया है, और अब हिमाचल के ही मंडी में मस्जिद के अवैध निर्माण को लेकर के विवाद गहराता जा रहा है। भारी प्रदर्शनकारी जो कि सड़क पर उतरे हैं काफी संख्या में, उनको हटाने के लिए पुलिस वाटर कैनन का भी इस्तेमाल कर रही है। मोहित मल्होत्रा हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी भी दे रहे हैं। मोहित, हिंदू संगठनों का अब आगे क्या कहना है, उनकी क्या रणनीति है, क्योंकि आज तो हम देख रहे हैं कि सड़कों पर उनका विरोध प्रदर्शन है। हालांकि मस्जिद कमेटी अपनी ओर से सफाई भी दे रही है कि ऐसा कुछ नहीं है, जो अवैध निर्माण था उसे हमने ढहा दिया है, तोड़ दिया गया है, आगे अब क्या करेंगे ये? देखिए, हिंदू संगठन इस बात पर अड़े हैं कि इस मस्जिद को ही वहाँ से हटा दिया जाए। उनका ये कहना है कि इस मस्जिद का अवैध तरीके से निर्माण किया गया है, पूरी मस्जिद ही अवैध है। हालांकि जो 30 साल पहले की स्थिति है उस मस्जिद की, उसके हिसाब से 1 मंजिला वहाँ पर मस्जिद थी, छोटी मस्जिद थी, लेकिन बाद में धीरे धीरे अतिक्रमण करके आसपास के जो सरकारी जमीन थी वहाँ पर इसका निर्माण कार्य कर दिया गया और 2 मंजिला और बना दी गई, जिसको हटाने के निर्देश दिए गए हैं। और उसके बाद ये मस्जिद कमेटी की तरफ से खुद ही इस अवैध निर्माण को हटाया जा रहा है, लेकिन हिंदू संगठन सीधे तौर पर कह रहे हैं कि इस मस्जिद के आसपास काफी बाहरी लोग आकर बस रहे हैं और कई तरह की गतिविधियां हो रही हैं, इससे बिल्कुल मस्जिद को यहां से हटा दिया जाना चाहिए, सारे दावे किए जा रहे हैं। और देखिए, इस बीच विवाद भी गहराया है मंडी में। शुक्रिया मोहित आपका। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से वाटर कैनन का यहां इस्तेमाल किया जा रहा है प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए। बैरिकेड्स लगाई गई हैं, वो आगे बढ़ना चाह रहे हैं, लेकिन उनको रोकने के लिए एक तरफ पानी की बौछार और दूसरी तरफ बैरिकेड्स लगाकर पुलिस के जवान खड़े हैं ताकि ये प्रदर्शनकारी आगे न बढ़ पाए। हिमाचल प्रदेश में मस्जिद विवाद पर सियासत जारी है, तो शिमला पुलिस ने अब पथराव का वीडियो जारी किया है, देखिए ये खबर। तस्वीरें मस्जिद विवाद में 11 सितंबर को हुए पथराव की है। बफाल के इस वीडियो को शिमला पुलिस ने जारी किया है, तो इस मामले में अभी तक 8 FIR दर्ज की जा चुकी है। इस विरोध प्रदर्शन और बफाल में एक महिला पुलिसकर्मी समेत 6 पुलिस वाले घायल हुए थे। एक पुलिसकर्मी की रीढ़ की हड्डी में फ्रैक्चर हुआ है। इस पुलिसकर्मी की हालत गंभीर बनी हुई है। इससे पहले हिमाचल प्रदेश के कैबिनेट मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि शिमला शहर पिछले कुछ दिनों से देश में छाया हुआ है। ये मामला एक झगड़े से शुरू हुआ था, कुछ लोगों ने इसे सांप्रदायिक रंग दिया। ये मुद्दा जो शुरू हुआ था वो लड़ाई झगड़े से हुआ था, सभी को पता है, और उसको जो है कुछ लोगों ने कम्युनल रूप दिया। बात लीगल और इलीगल बिल्डिंग की थी, और सरकार ने इसका, और साथ में एक और था कि जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं और हॉकर्स हैं जो बाहर से आते हैं उनके बारे में था। संजौली मस्जिद विवाद पर नेता विपक्ष जयराम ठाकुर कहते हैं कि हिमाचल में ऐसा माहौल कभी नहीं देखा, ये सरकार की नाकामी है। हिमाचल प्रदेश के शिमला में राजधानी में इस प्रकार की घटना घटित होने के बाद इस तरह का माहौल भी हमने अपने जीवन में पहली बार देखा, और निश्चित रूप से इस बात को मैं कह सकता हूँ कि सरकार की नाकामयाबी रही है, इसमें दो राय नहीं है।